एक प्रेत ने बताया कि कौन से लोग मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। दोस्तों, आज का विषय हम सबके लिए जानने योग्य है कि कौन से लोग भूत प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और कौन से लोग भूत प्रेत नहीं बनते हैं। अक्सर हम लोग भूत प्रेतों के बारे में टीवी, सिनेमा, किस्से, कहानियों और पौराणिक कथाओं में सुनते चले आए हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज है। हमारे पुराणों में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जिनमें भूत प्रेतों के बारे में बताया गया है। अगर वास्तव में भूत प्रेत होते हैं तो ये भूत प्रेत बनते कैसे हैं? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि भूत प्रेत एक अधम योनि है जिसमें नरक से बदतर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत योनि की आयु लगभग हजारों वर्षों की होती है। हजारों वर्षों तक प्रेतों को भयंकर दुख भोगना पड़ता है। परमात्मा की ओर से दिया जाने वाला वो दंड है प्रेत शरीर, जिसमें सिर्फ दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मरने के बाद आत्मा को यातनाओं को भोगने के लिए स्पेशल एक यातना शरीर मिलता है, उसे ही प्रेत कहते हैं, जिसमें भयंकर भूख प्यास लगती है पर भूख शांत नहीं होती। खाने में गंदी संदी घृणित वस्तुएं खाने को मिलती हैं। सड़ा गला मांस, रक्त, मल मूत्र, पीप आदि का भोजन करना पड़ता है, फिर भी भूख शांत नहीं होती। पेट की तृष्णा उन्हें शांत नहीं बैठने देती। सर्दी, गर्मी, धूप को सहते हुए इधर उधर भटकना पड़ता है, पर अपना बचाव भी नहीं कर सकते। भोगों को भोगने की कामना इतनी प्रबल होती है पर भोगों को भोग नहीं सकते। जरा सोचो, यदि आपको भयंकर प्यास लगी हो और पानी सामने रखा हो और वो पीने को ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? और वो पानी यदि पीने को मिल भी जाए फिर भी आपकी प्यास शांत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों भूख प्यास से शांति तो इस भौतिक शरीर में ही मिलती है। अब वो शरीर तो आपका छूट चुका है, आपकी आत्मा को उठाकर एक यातना शरीर में डाल दिया जाता है, जिसमें इच्छाएं तो इस शरीर से ज्यादा होती हैं पर इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे दर बदर भटकते रहते हैं। यही उनका सबसे बड़ा नर्क है, जो नर्क से भी बढ़कर है। इसलिए कहते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे आपको कभी प्रेत शरीर ना मिले। और वो समाधान क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आखिर ये प्रेत शरीर कैसे लोगों को मिलता है और प्रेत योनि में जाने से हम कैसे बच सकते हैं? मित्रों, एक बहुत बड़े संत हुए थे जो भगवान राम के बहुत बड़े उपासक थे। वे हर क्षण चलते फिरते, उठते बैठते राम नाम का उच्चारण करते रहते थे। उनके अंदर एक विशेषता थी, यदि कोई थोड़ी देर भी उनकी संगत कर लेता वे उसे भी राम नाम का गुणगान करना सिखा देते थे। संसार में रहने का उनका और कोई उद्देश्य नहीं था, वे सबको राम नाम की महिमा से परिचित करा देना चाहते थे। वे जानते थे कि मनुष्य की सारी कमाई तो यही छूट जाएगी, यही वो कमाई है जो उसे मृत्यु के मुख से उबार सकती है, यही वो धन राशि है जो परलोक में आपके काम आ सकती है, यही वो नौका है जो इस अथाह भव सागर में डूबने से बचा सकती है, यही वो कमाई है जो आपको करोड़ों जन्मों से बचा सकती है। एक दिन महात्मा जी रात के वक्त राम नाम का गुणगान करते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। वे अपनी मस्ती में इतने मगन थे कि उन्हें संसार के किसी भी जीव का कोई भय नहीं था। राम नाम जपते जपते वे एक घने जंगल के मार्ग से गुजरे। राम नाम की मस्ती में वे अपना मार्ग भटक कर एक सुनसान जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे से तमाम वाद्य यंत्रों के बजने की आवाज आ रही थी। उन्होंने आगे जाकर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उस सुनसान जंगल में उस वट वृक्ष के नीचे दरबार सा लगा हुआ था। नाच गान हो रहा था, मांस मदिरा की दावत चल रही थी, कई स्त्री पुरुष साथ में नाच रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई हंसा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि उस महफिल में से दो पुरुष महात्मा जी के पास आते हैं और वे उन्हें बुलाकर उस सभा में ले जाते हैं। महात्मा जी समझ तो गए थे कि ये सारे लोग प्रेत हैं, भला मनुष्य सुनसान जंगल में नाच गान करने क्यों आएगा। उनमें एक प्रेतों का राजा था जो सबसे ऊंचे टीले पर बैठकर उस नाच गान का आनंद ले रहा था। वे दोनों पुरुष महात्मा जी को बुलाकर अपने राजा के पास ले गए। प्रेतों के राजा ने पूछा, अरे मनुष्य, तू यहां किस लिए आया है? तुझे पता नहीं है
आज हम लोग खुशी में अपना जश्न मना रहे हैं। मनुष्यों का यहां आना वर्जित है। वैसे तो हम मनुष्यों को मारकर उसको अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन आज तुम आनंद के अवसर पर हमारे पास आए हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। मित्रों, प्रेतराज की बात सुनकर महात्मा जी अट्ठास करके हंसते हुए बोले, हे राजन, मृत्यु से वो डरता है जिसे जीवन से मोह होता है। हम तो साधु संत लोग हैं, मृत्यु को तो हम आनंद का विषय मानते हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ हो ही नहीं, उसे भला किस बात का डर। मेरे पास जो अनमोल वस्तु है, उसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई मुझसे छीन सकता है। यदि कोई मुझे मार भी डाले तो भी वो मेरी अनमोल वस्तु को नहीं ले जा सकता। वही अनमोल वस्तु मुझे निडर बनाए रखती है। मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता। प्रेतराज बोला, क्या आप जानते हो हम लोग कौन हैं? तब महात्मा जी बोले, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। तब वो प्रेत कहता है, हे मनुष्य, संसार में लोग हमारे नाम से ही कांपते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि संसार के लोग तुमसे डरते होंगे, पर मैं नहीं डरता, और मुझे इंसान समझने की भूल भी मत करना। हम लोग जीवित रहते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। हम अपना पिंडदान करके ही साधक बनते हैं। यदि आप मुझे जीवित मानते हो तो भी तुम हमें नहीं मार सकते। जीना मरना सब कर्मों के अधीन होता है। महात्मा जी को इतना निर्भय देखकर प्रेतराज आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा, लोग तो हमारा नाम सुनते ही मर जाते हैं, पर ये मनुष्य तो बड़ा ढीठ है, जिसे हमारा तो कोई खौफ ही नहीं है, और बड़ी निर्भयता से हमसे बात कर रहा है। जरूर इसके पास कोई अमोद शक्ति होगी। महात्मा जी ने प्रेत से पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग यहां पर आनंद उत्सव क्यों मना रहे हो? तब वो प्रेतों का राजा कहता है, हे सन्यासी, इस उत्सव का कारण है हमारी बेटी। हमारी इकलौती कन्या है। सैकड़ों सालों से वो कुआरी बैठी है। उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पाया, लेकिन अब उसे उसके योग्य वर मिलने की पूरी संभावना है। कल हम लोग उसकी धूमधाम से शादी कर देंगे। इसी खुशी में हमने ये सभा लगाई है और ये नाच गान का आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। कल हमारी बेटी को उसका पति मिल जाएगा। महात्मा जी हंसते हुए बोले, हे प्रेतराज, कौन होगा आपका जमाता? क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूं? प्रेत कहने लगा, हे साधु, अभी तो हमारा जमाई मरा नहीं है, जीवित है। पर हां, कल वो अवश्य मर जाएगा और तब हम उसे अपना जमाई बना लेंगे। इस समय वो मनुष्य शरीर में है। प्रेत की बात सुनकर महात्मा जी पूछने लगे, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मरने के बाद प्रेत योनि को ही प्राप्त होगा, जो कि अभी मरा भी नहीं है? उसका अगला शरीर क्या होगा, ये आप कैसे तय कर सकते हो? तब प्रेत कहता है, हे महात्मन, मनुष्य के कर्म ही उसकी गति तय करते हैं। मनुष्य के कर्म बता देते हैं कि वो हमारी प्रेत योनि को प्राप्त होगा या नहीं। महात्मा जी ने पूछा, किस तरह के कर्मों वाला व्यक्ति प्रेत शरीर धारण करता है? तब प्रेत कहता है, हे सन्यासी, ध्यान से सुनो। जो आदमी मनुष्य शरीर में जन्म लेकर धर्म कर्म से दूर रहता है, पशुओं जैसे कर्म करता है, निर्दोष लोगों को मारता पीटता है, लोगों की फसलों में आग लगा देता है, खाद्य सामग्रियों में विषाक्त पदार्थ मिलाकर बेचता है, छल हिंसा करता है, मांस मदिरा और व्यसनों में पड़ जाता है, अनैतिक संबंध बनाता है, मां बहन बेटी से विलास करता है, बूढ़े मां बाप को संताप देता है, उन्हें लातों से मारता पीटता है, उन्हें घर से बेघर कर देता है, धन के लिए जहरीले पदार्थ बेचता है, कमजोर और निर्बलों पर जुल्म करता है, रिश्वत खाकर काम करता है, किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को बिना बांटे ही अकेला खा लेता है, भाइयों का हिस्सा खा जाता है, पर स्त्रियों में संलिप्त रहता है, ऐसा मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। मरने के बाद उसे प्रेत शरीर धारण करना पड़ता है। मेरा जो जमाई है वो बड़ा ही क्रूर किस्म का इंसान है। उसने पूरे जीवन बुरे कर्म किए हैं। महादुराचारी होने के कारण वो इस समय भयंकर रोगों से पीड़ित है। कल दोपहर के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो हमारी कन्या का पति बन जाएगा। इसलिए हम लोग आज रात भर आनंद उत्सव मनाएंगे और कल भी आनंद उत्सव मनाएंगे। महात्मा जी पूछने लगे, आखिर वो है कौन, किस गांव का निवासी है और किसका पुत्र है? तब प्रेत ने जवाब दिया,
वो इस जंगल के किनारे दक्षिण में जो गांव बसा है उसी गांव का रहने वाला है। उसके पिता मंगूमल नाम के बड़े ही धनवान सेठ हैं। उनकी अपार दौलत और अत्यंत लाड़ प्यार ने उसे दुराचारी बना डाला। इतना सुनकर प्रेत से विदा लेकर महात्मा जी वहां से चले आए और उसी गांव में सुबह होते ही पहुंच गए। गांव वालों से पूछा कि इस गांव में कोई मंगूमल सेठ रहता है, उनका कोई लड़का बीमार है। गांव वालों ने बताया, महात्मा जी सेठ का लड़का 1 साल से बीमार पड़ा है, उसे कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया है। सेठ ने उसका बहुत जगह उपचार कराया पर उसे कोई आराम नहीं लगा। वो तो अपने कर्मों की सजा भोग रहा है, मरने के बाद वो निश्चित ही नरक में गिरेगा। दर्शक बंधु, महात्मा जी जिससे पूछते थे वही उसकी निंदा करता था। पूछते पूछते महात्मा जी सेठ के घर जा पहुंचे। देखा कि सेठ का लड़का चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें गिर रहा था। महात्मा जी को देखकर सेठ को कुछ उम्मीद सी जगी। महात्मा जी का सेठ ने स्वागत किया। महात्मा जी सेठ के बेटे के निकट जाकर बैठ गए और एक माला उसके हाथ में पकड़ा दी और राम नाम का जाप करने के लिए कहा और स्वयं भी वहीं बैठकर राम नाम जपने लगे। सेठ का लड़का जानता था कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़े जघन्य अपराध किए हैं, वो निश्चित ही नरक में गिरेगा, पर अंतिम समय में एक संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इसे ही वो अपना सौभाग्य मान रहा था और बड़ी तन्मयता से राम नाम का जाप करने लगा। महात्मा जी ने उसे समझाया कि वो अपना ध्यान चारों ओर से हटाकर सिर्फ राम नाम में लगा दे और मृत्यु का भय अपने मन से हटा दे। राम नाम की शरण में पहुंचने वाला कभी मरता नहीं है, वो कभी अधोगति में नहीं गिरता। दोस्तों, इस प्रकार उस सेठ पुत्र ने अंतिम समय में अपनी समाधि राम नाम में लगा ली और उसका प्राणांत हो गया। उसे देवदूत सीधे वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। इधर महात्मा जी उसका अंतिम संस्कार कराने के बाद गंगा में स्नान करके आधी रात के समय उसी जंगल में पहुंच गए जहां प्रेतों की मंडली सजी हुई थी। महात्मा जी ने देखा कि आज सारे प्रेत मुंह लटकाए बैठे हैं, ना कोई नाच गान हो रहा है ना कोई हास्य परिहास। प्रेतराज अपने सिंहासन पर बहुत निराश मुद्रा में बैठा था। कुछ प्रेत जोर जोर से रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, अरे प्रेतराज, कल तो यहां खुशी का उत्सव मनाया जा रहा था परंतु आज ये करुण क्रंदन कैसा है, क्या कोई अनहोनी हो गई? प्रेत ने उत्तर दिया, हाँ आज हमारी बेटी फिर से कुआरी रह गई। महात्मा जी बोले, सेठ का लड़का तो मर गया है, फिर आपकी बेटी कुआरी क्यों रह गई? प्रेत बोला, तेरे पाप के कारण मेरी कन्या कुआरी रह गई है। हमने ये बात तुझे बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। मरते समय तूने उस लड़के को जाकर न जाने कौन सी औषधि पिला दी, उसका तो सीधा उद्धार हो गया और वो मेरी बेटी का पति नहीं बन पाया। राम नाम में अद्भुत शक्तियां हैं। मरते समय जो उसका पान कर लेता है वो कभी भूत पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता। दर्शक बंधु, प्रेत के मुख से राम नाम की महिमा सुनकर महात्मा जी राम नाम का जाप करते हुए और भी ज्यादा आत्म विभोर हो गए। उनकी समाधि लग गई। रात व्यतीत हो गई। सवेरा हुआ तो प्रेत मंडली वहां से गायब थी। वहां सूर्य का प्रकाश दमक रहा था। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।